क्या मैंने आपको फंक्शन समझा दिया? हेलो स्टूडेंट्स, आज स्वागत है आपका हमारे फिफ्थ लेक्चर में, सॉरी सिक्स्थ लेक्चर में, जहां पे हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस के सेकेंड सेगमेंट और फंक्शन को डिस्कस करेंगे, राइट? तो देखिए, एक्चुअली फंक्शंस बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से पुट करते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट होता है, राइट? तो कंसेप्ट क्या होता है फंक्शन का, वो देखिए, हमारे पास एक इनपुट होता है, एक इनपुट, हाँ, उसके लिए एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? जो चीज एक इनपुट के लिए एक आउटपुट प्रोड्यूस करती है, उसे हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? या एलिमेंट का शब्द, ठीक है? एनीवे, और कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, बस थोड़ी बहुत कंडीशंस होती है, ठीक है? तो आइए हम उन कंडीशंस को समझते हैं, बट उन कंडीशंस को समझने के लिए बेसिकली मुझे अपने हाथ के इन गैजेट्स को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ऑल राइट, तो ये है हमारे पास फंक्शंस, और फंक्शंस की एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो आप अपनी थ्योरी कॉपी इसको रेडी रखिए, अभी इसमें कुछ लिखिएगा नहीं, वंस फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द होल थिंग, उसके बाद जो है आप इसको नोट डाउन करना शुरू करिए। चलिए, तो देखिए फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस इज बेसिकली इट इज अ मैथमेटिकल रूल विच एसोसिएट्स फॉर every input, comma, a unique output, right? A mathematical rule which associates for every input a unique output. यही हमारी फंक्शन की एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है, ठीक है? बुक में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको मिलेगा कि खूब ढेर सारे टेक्निकल टर्म्स एंड ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है? बस अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो फिर आपका सारा काम हो गया। और इनफैक्ट इस डेफिनेशन में हमारे पास तीन कीवर्ड छुपे हुए हैं जो कि फंक्शंस को लेके जितनी भी स्पेशल कंडीशंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हैं, राइट? और वो स्पेशल वर्ड्स क्या हैं, उन्हें हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे और उनका मतलब क्या होता है, उनको जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। उससे पहले कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है जो मैं इस पार्ट में आपको समझा देता हूं, ठीक है? सबसे पहली चीज, नोटेशन फॉर राइटिंग अ फंक्शन। हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए फंक्शन को लिखा जाता है ऐसे, एफ मैथ ए टू बी, ठीक है? एफ मैथ ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, या लेट्स से मैं यहां पे एक जनरल डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन, राइट? अब इसमें ये सारे टर्म्स क्या कह रहे हैं वो देखिए। ये f, दिस f शोज कि ये हमारे फंक्शन का नाम है, इट इज द नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है? फंक्शन का नाम। a मैप टू b मतलब कि a के एलिमेंट को जो हमारे इनपुट हैं वो a से आने हैं और जो आउटपुट हैं वो b से आने हैं, a से मैपिंग b पे हो रही है, मतलब क्या है, a हमारा B से जुड़ रहा है, A हमारा B से लिंक्ड हो रहा है, ठीक है? उसके बाद fx, अब fx में क्या है, ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, ये वो वेरिएबल है जिसका यूज करके फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, इसके टर्म्स में फंक्शन को लिखा जाएगा, ठीक है? और फिर इक्वल टू भी इधर उसकी डेफिनेशन होती है, मतलब कि बेसिकली हमारा फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो फंक्शन क्या करेगा, वो जो भी इनपुट लेगा उसका स्क्वायर करके हमें आउटपुट दे देगा। तो उसको हम वन देंगे तो हमें वन आउटपुट देगा, टू देंगे तो हमें फोर देगा, ठीक है? तो एक इनपुट आउटपुट मशीन बन गई, वो एक फंक्शन हो गया, राइट? उसके बाद लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो हमको पता है कि वो क्या करेगा, जो भी हम उसको इनपुट देंगे, हम उसको कोई भी एंगल इनपुट करेंगे, लेट्स से 30 डिग्री हमने इनपुट किया तो हमें आउटपुट मिलेगा हाफ, तो साइन एक्स एक तरह का फंक्शन हो गया, ठीक है? तो फंक्शंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल रूल विच एसोसिएट्स इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट के बीच एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, राइट है? अच्छा,
उसके बाद जब हमने ये नोटेशन समझ लिया तो हमें और क्या जानने की जरूरत है, ठीक है? हमें जानने की जरूरत है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, राइट? ऐसे वर्ड्स जिसमें सभी को बहुत कंफ्यूजन होता आया है, ठीक है? लेकिन मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, सिर्फ एक वर्ड से कोडोमेन और रेंज के बीच का फर्क बता दूंगा। हाँ, दो दो वर्ड में इनकी डेफिनेशन लिखा दूंगा, ठीक है? तो आप देखते जाइए कैसे लिखाऊंगा, ठीक है? लेट्स से कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि डिफाइन हो रहा है ए से बी पे। तो ए में मान लेते हैं हमारे पास 1, 2, 3 और 4 है, और फिर बी में हमारे पास लेट्स से ए बी सी डी और ई है, ठीक है? तो ए में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है और बी में ए बी सी डी ई है, और इन पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है? अच्छा, देखिए हमने रिलेशंस पढ़ा हुआ है, रिलेशंस को हमने बेसिकली कई तरीके से रिप्रेजेंट किया था। एक और तरीका होता है रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का और फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट करने का। जनरली हम इस तरीके से फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते इस तरीके से, ठीक है? तो अब 1, 2, 3, 4, 5 ठीक, सॉरी 5 नहीं था, देन वी हैव ए बी सी डी और ई। अब देखिए किसकी मैपिंग किससे हो रही, लेट से 1 की मैपिंग हो गई बी से, मतलब 1 और बी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फंक्शन एक तरह का रूल होता है, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर फंक्शन क्या करता है, 2 और 4 को जोड़ेगा, ठीक है? 3 और 9 को जोड़ेगा, क्योंकि हम उसमें 3 इनपुट करेंगे तो हमको 9 वापस मिलेगा। तो उस तरीके से लेट से ये एक फंक्शन है जिसमें अगर हमने 1 इनपुट किया तो हमको बी आउटपुट मिला, ठीक है? फिर 2 इनपुट किया तो हमें डी आउटपुट मिला, फिर हमने 3 इनपुट किया तो हमें सी आउटपुट मिला, ठीक है? फिर हमने 4 इनपुट किया तो फिर लेट से हमें बी आउटपुट मिला, ठीक? तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हम बेसिकली लिख लेते हैं। तो एफ एक्स हमारा क्या बनेगा, देखिए एफ एक्स बनेगा 1 और बी लिंक्ड है, 2 और डी लिंक्ड है, फिर 3 और सी लिंक्ड है, 3 और सी लिंक्ड है, और फिर 4 और बी लिंक्ड है, राइट? अच्छा, अब आपके मन में जो डाउट आ रहा है वो मैं समझ चुका हूं, ठीक है? आपके मन में यही डाउट आ रहा होगा कि सर हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन, राइट? सर ये भी तो रिलेशन ही है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ रहा है, रिलेशन भी वही काम कर रहा था, फंक्शन भी वही काम कर रहा था, ठीक है? तो मैं कहूंगा बस हम लोग बहुत पास पहुंचने वाले हैं जहां पर हम बहुत इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है? तो बस आप थोड़ी देर और ध्यान दीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहां मैंने ये 3 टर्म्स लिखे हैं, तो इन 3 टर्म्स को समझाने के लिए क्या करूंगा मैं, डोमेन, ठीक है? और डोमेन का मतलब होता है ऑल, सॉरी, डोमेन का मतलब होता है ऑल इनपुट्स, हमारे सारे इनपुट, हम फंक्शन में क्या क्या चीज इनपुट कर रहे हैं वो होती है डोमेन, राइट? फंक्शन में क्या क्या इनपुट कर रहे हैं, फंक्शन में इनपुट किया 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 हमारा इनपुट हो गया, तो 1, 2, 3, 4 ही हमारे डोमेन हो गए, ठीक है? तो डोमेन इज दिस सेट 1, 2, 3, 4, राइट? उसके बाद कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं, ठीक है? देखिए कोडोमेन होती हैं ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, रेंज होते हैं ऑल आउटपुट्स, ठीक है? कोडोमेन है ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, रेंज है ऑल आउटपुट्स। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है? कोडोमेन कहती है कि वो एलिमेंट जो कि आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि हर वो चीज जो पॉसिबल होगी वो हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? जैसे कि अभी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होगी ही, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है? तो मतलब कि पॉसिबल हो, बट वो हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो अब आप देखिए, ये आपका आउटपुट का सेट था, किसी ना किसी एलिमेंट के लिए ए भी आउटपुट आ सकता था, बी भी आउटपुट आ सकता था, सी भी आउटपुट आ सकता था, डी भी आउटपुट आ सकता था, ई भी आ सकता था,
ठीक है, मान लेते फोर की एरो ई से लिंक होती तो ई आ जाता, वन की एरो ए से लिंक होती तो ए आ जाता, राइट। तो जो है वो हमारा आउटपुट आ सकता था, जो आउटपुट आ सकता था वो हमारा कोडोमेन हो गया। तो यानी कि कोडोमेन हो गया क्या हमारा, ए बी सी डी ई, ठीक है। रेंज है ऑल आउटपुट्स, क्या क्या आउटपुट आया, ठीक है, क्या क्या आउटपुट आया, मतलब बी आया, डी आया और सी आया, ठीक है। ए और ई कहीं पे यूज नहीं हुए तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो रेंज में हम क्या लिखेंगे, बी सी और डी, ठीक है। तो ऑल आउटपुट्स, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, एक वर्ड से आपने दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया। मैंने आपको जैसा वादा किया था मैंने आपको समझा दिया, और इस तरह याद रखेंगे, कभी जीवन में कोई तरह की गलती नहीं होगी, कभी भी आप फंक्शन के कंसेप्ट में मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हो गए, ये आपके ऑल आउटपुट्स हो गए, और ये आपके ऑल इनपुट्स हो गए, ठीक है। सर ऑल पॉसिबल इनपुट्स की बात आपने क्यों नहीं की, ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे कि ऑल पॉसिबल इनपुट्स की बात मैंने क्यों नहीं की, ठीक है। और देखिए वापस हम आते हैं हमारे डेफिनेशन पे, मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वापस आते हैं हम अपने डेफिनेशन पर। हाँ, डेफिनेशन में मैंने बोला था कि कुछ वर्ड्स हमें मार्क करने होंगे। सबसे पहली चीज रूल, दूसरा वर्ड है एवरी, तीसरा वर्ड है यूनिक। ये तीन चीजें जो है हमारी फंक्शन को डिफाइन कर देती है एकदम अच्छे से, ठीक है। देखिए रूल, रूल का मतलब क्या होता है, किसी तरह का करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। रूल इज अ सॉर्ट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हो गया, यहां पे जगह नहीं है, चलिए ठीक है, करेस्पॉन्डेंस आप समझ जाइएगा। हाँ, तो रूल इज अ टाइप ऑफ करेस्पॉन्डेंस, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ करेस्पॉन्डेंस। रूल का मतलब होता है करेस्पॉन्डेंस, मतलब कि लिंक्ड, एक तरीके का लिंक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जोड़ रहा है, और यही काम फंक्शन भी, यही काम रिलेशन भी कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। और एक्चुअली विच टाइप ऑफ टाइप, अ स्पेशल टाइप ऑफ टाइप, ठीक है। तो अ फंक्शन इज अ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल केस होता है रिलेशन का, बस। रिलेशन के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है रिलेशन के साथ जो कि हमारा उसको फंक्शन बना देता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या स्पेशल होता है, वो इन दोनों वर्ड में छिपा है। देखिए एवरी इनपुट मतलब हम जो जो इनपुट कर सकते हैं सबके लिए एक आउटपुट आना चाहिए। अब यहां पे पॉसिबल की केस बना ही नहीं, क्योंकि यहां पे जितनी चीजें हैं सबका यूज होना जरूरी है। अगर लेट से यहां पे फाइव होता, उस फाइव की एरो किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ रही होती तो फिर वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। एवरी इनपुट मतलब इनपुट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। जितने इनपुट्स हैं सबकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। विच मींस कि हमारी डोमेन पूरी यूज होनी चाहिए, दिस इज द सेट ऑफ डोमेन, ठीक है। तो ये डोमेन हमारी पूरी यूज अप होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान देना कि आपका आउटपुट पे पॉसिबल और एक्चुअल में फर्क आएगा। हाँ, डोमेन हमेशा जितने पॉसिबल है सबको एक्चुअल होना होगा फंक्शन में, ठीक है। तो जो कंडीशन निकली वो क्या निकली, डोमेन इज, डोमेन शुड बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। एग्जॉस्टेड मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आया तो फिर आप इसको नीचे लिख सकते हैं क्या, कि ऑल एलिमेंट्स शुड हैव एन इमेज, ठीक है। जो आउटपुट होता है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इनपुट होता है उसको प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। इट विल बी बेटर अगर मैं यहां पर लिख भी दूं, ठीक है। इनपुट्स को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज, और आउटपुट को हम लोग इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि सारे प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए, अगर कोई भी एलिमेंट यहां पर खाली छूट जाता तो वो हमारा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यूनिक पे आते हैं, ठीक है। हर इनपुट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे वन है तो वन सिर्फ बी से लिंक्ड है, एक मिनट थोड़ा सा हट जाओ, ठीक है। वन जो है वो सिर्फ बी से लिंक्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं होगी वन बी से भी लिंक्ड है, वन ए से भी लिंक्ड है ना, वहां पे उसकी इमेज यूनिक नहीं होगी। रिलेशन में ऐसा हो सकता था, फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वन ए से भी लिंक्ड होता, वन बी से भी लिंक्ड होता तो फिर वो नहीं कहलाता, ठीक है, वो फंक्शन नहीं कहलाता,
ठीक है। अब आप कहेंगे क्या सर, लेकिन वन और फोर दोनों तो बी से लिंक्ड है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, दो इनपुट के एक आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, धीमे धीमे बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन दो आउटपुट के एक, दो इनपुट के एक कॉमन आउटपुट हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो आउटपुट है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब क्या है, ईच इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट, ईच इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट। ठीक है, तो ये तीन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फंक्शंस और रिलेशंस में बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ इधर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज छूटी थी वो मैं आपको बता दूं, और उसी के साथ हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे कि अब ये सेट ए है, तो जब मैं ये लिखा रहा था तब तो मैंने डोमेन पढ़ाया नहीं था, लेकिन अब मैंने डोमेन पढ़ा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डोमेन बोल सकते हैं। ठीक, तो सेट ए होता है डोमेन, तो मतलब एफ फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम डोमेन टू, और बी क्या होगा, को डोमेन होगा या रेंज होगा, बी क्या होगा, को डोमेन होगा कि रेंज होगा, ये किससे मिलता जुलता है, इससे या इससे, बी मिलता है इससे, तो बी इज को डोमेन। तो मैपिंग इज बीइंग डन फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन। ठीक है, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे फिर से रिमाइंड कराता हूं कि डोमेन का एग्जॉस्ट होना जरूरी है, मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट का यूज होना जरूरी है। ये यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे ध्यान देंगे, जो कि यूज होगा आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक, तो ये जो वी हो गया, ये हो गया हमारा को डोमेन। ठीक ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम, यहां पे देखिए आपको पता है कि रेंज जो भी होगी कभी को डोमेन से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये सभी के लिए एक एक इनपुट हो जाएगा। हाँ, ये सभी किसी ना किसी का आउटपुट बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेंज हमेशा को डोमेन के बराबर या को डोमेन का एक सबसेट होगी, हमेशा को डोमेन से ही डेराइव होगी। ठीक है, तो आप नीचे यहां पर यह ध्यान दे सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, रेंज हमेशा को डोमेन से ही आएगी, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, अगर दिख नहीं रहा तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही। ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डोमेन फाइंडिंग और रेंज फाइंडिंग पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, जिनका यूज आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।